धंधा बंद। मालेगांव का खड़ा हुआ लूम के ऊपर जाता है, लूम चलता है कपड़ा तैयार होता है लूम बंद। ये सब यहाँ की पब्लिक है ना, लूम के ऊपर है, पूरा लूम के ऊपर है सर। यहाँ का मालेगांव का बड़ा कारोबार है, इधर भिवंडी है, भिवंडी है सर, उधर मालेगांव है, दुर्गिया मालेगांव वहाँ का कैसा है। अभी जब उनको सूत कम में मिलेगा, उसको भाव कपड़े को भाव को तेजी मिलेंगे, जब लोगों को पैसा मिलेगा और पैसा सब्जी के अंदर घूमेगा, पैसा मार्केट के अंदर घूमेगा। 2 crore of meters everyday production 2 crore of meters. Even if you consider 10 rupees per meter as an average, so 2 crores multiply by, so 20 crores rupees ka daily turnover hai. And entire business is done without any, no computers, no ledgers, no verbally or bidi cigarette ki packet ke piche. Ye business jo hai gharelu business hai, matlab kheti jaisa. खेती में जैसे बरसात आ गई तो फसल अच्छी हो गई, इसमें कपड़े की हाई रिक्वायरमेंट हो गई तो उसमें रेट अच्छे मिल गए, नई रिक्वायरमेंट हुई तो नुकसान भी जाता। मालेगांव वाज कॉल्ड एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इन 1857। पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, दे माइग्रेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड दे सेटल्ड अक्रॉस द मुंबई आगरा रोड। व्हेन वन गोज टू मालेगांव, बेसिकली व्हाट स्ट्राइक्स वन इज द सोशल फैब्रिक ऑफ द टाउन एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंपोजिशन। Malegaon has a very dense population and it is known one of the as one of the few Muslim dominant towns, and that is how it brings in a lot of communal dimensions to the town. But apart from that, Malegaon is much more. Basically, it is a town of migrants who have come with their skills to find out their livelihoods, and with very few resources, with very low investment, and basically with their brains, they have learned to survive. वहाँ से आजू-बाजू के जो खेड़े बाड़े हैं वहाँ से आते हैं, और वहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ बेचते हैं, वहाँ से यहाँ खरीद करके यहाँ लाते हैं। On one hand there is rampant poverty, on one hand there is illiteracy. On one hand, there are very few resources in the town. Like being in Malegaon, it is always a neglected, it has always been a neglected town. Bomb attack on Malegaon, that was a major setback to the town, and it had a number of implications on the psyche of town. And basically the way media portrayed the entire event, and immediately the town came into limelight, and for a number of months, years, this particular event, it became the symbol of the town. Malegaon, that means 2006, that has been the association. And apart from that, what is Malegaon and what are its like pros and cons, what are its strength, real strengths and constraints, that has not really been discussed. But post 2006, it came like that became the identity of Malegaon. And after that, that particular event was very, I would say, skillfully utilized by the politicians to create an atmosphere of insecurity. मेरा मालेगांव दुर्भाग्यवश ऐसा है कि दो हिस्से में बटा हुआ है, मौसम नदी बीच में से गई है, उसके पूरब का हिस्सा जो है उसमें 80% मुस्लिम भाई है, और पश्चिम की ओर जो है 80% हिंदू भाई है। हमारे आज तक के इतिहास में, जब से 1923 से सही मानों में दंगों का इतिहास कहा जाता है हमारे तरफ का जो रिकॉर्ड में, ऐसी कोई वाकया नहीं हो रहा है कि जहाँ पे 80% अगर समझो 80% अगर मुस्लिम समाज रहता है तो 20% ऑलरेडी दूसरे समाज रहते हैं, और वो भी तो सब मुसलमानों से घिरे हुए हैं। वहाँ के ना औरतों को छेड़ा गया कभी, ना वहाँ किसी आदमी को कत्ल किया गया, कुछ भी हुआ नहीं आज तक। मुस्लिम बहुल एरिया में ऐसा हुआ नहीं,
सेम कंडीशन हिंदू एरिया में भी वही है। मेरे जैसे अगर कहीं दूर जाते हैं, अगर पूछे किसी ने कि कहाँ रहते हो, मैंने बोला कि महाराष्ट्र का मालेगांव, तो वो मेरे तरफ एक तो करुणा दया की नज़र से देखते हैं, या इनको लगता है कि वो कसाई के कोयते के बाहर अभी निकल के आए, इन्हें बहुत सहानुभूति बताते हैं और डर से बोलते तुम कहाँ रहते हो, वहाँ कैसे रहते हो। कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, ये सब पुलिस के पेट भरने का धंधा है, एक के दो, दो के चार, गुनाह नहीं होता ऐसा मैं नहीं बोलता, मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान कम्युनल बात की बात करता हूँ, बाकी सब होता होगा, धोखा देना, लूटना, कत्ल करना, रैप करना, ये सब होता होगा, नहीं करता होता होगा ऐसा मैं नहीं मानता, सब होता होगा, ज्यादा होता होगा, बुद्धि नहीं होगी तो ज्यादा बेवकूफी करेगा आदमी। See, if you look at the communal history of the communal violence in India, across India, so there is a general agreement, I'm telling this with a very full responsibility, that there is a general agreement on this, that communal riots took place in India only at those places where Muslims were economically, comparatively, they were sound, they were strong economically, at those places, right, like Bhiwandi. Besides Malegaon, like Bhiwandi, then Aligarh, it was very famous in lock, Kanpur, it was very famous in leather industry and all. So all those places where Muslims were economically strong, riots were occasionally, frequently they were occurring. The same case was here in Malegaon also. Textile owners, the merchants, they will be from the Hindu community, and the weavers, they will be from the Muslim community. So it is a direct correlation. Whenever there is a disruption in at any level, then that directly affects the economy of the town, because it is one of the major economic activities in the town. जो मालेगांव और सोता नहीं रात को, क्योंकि रात दिन काम चालू रहता है और चाय, सिगरेट ने बीड़ी ज़्यादा, ये तो मजदूर लोगों को लगती ही है, इससे छोटे मोटे होटल शुरू ही रहती रात को। मालेगांव के अंदर 95% मुस्लिम कम्युनिटी है और एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्षेत्र के अंदर जैसा वो बढ़ना चाहिए था, नई जनरेशन को उनको एजुकेशन मिलना था, वो मिल नहीं पाया। इससे आधुनिकरण जो है, नूतनीकरण जो करना है, मॉडर्नाइजेशन के अंदर जाना है, इसके अंदर मालेगांव शहर जो है वो शुरू से पीछे रहा। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है मालूम है क्या, कि ये जो जब जो कासार समाज का होगा, जो चूड़िया पहनाने वाला, वो इधर मनियार बन के रहा, उसका क्लास नहीं बदला, उसकी कास्ट बदल गई है रिलीजन के नाम से, लेकिन उसका इकोनॉमी नहीं बदल रही, यानी उधर से भंगी था जो पहले हिंदुओं में, वो बदल गया मजहब से, इस्लाम हो गया, लेकिन वो उधर बेग बन के रहा, उसका धर्म वैसे धर्म बदला, लेकिन उसकी जो रचना थी उसमें कोई फर्क नहीं हुआ, इन्होंने उसका इतना डेवलपमेंट उनको किए ही नहीं। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिए, मतलब मालेगांव की लड़कियों को, मालेगांव में जो एजुकेशन है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन ही नहीं, हमको यहाँ से नासिक जाने के लिए अगर रेलवे स्टेशन रहेगा तो कुछ देर में वो काम हो जाएगा, लेकिन बस की वजह से जाना पड़ता है, वो काम हमारा 1.5-2 घंटे में, ये टाइम वेस्ट। और अगर कभी रेलवे स्टेशन आ गया यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें करीब आ जाएगी, और जो माँ बाप इतना पीछे हटते हैं भेजने से, वो भी पीछे नहीं हटे। यहाँ पर है तो बस यहीं पे चेंजेस हम लाना चाहते हैं, तो अगर गवर्नमेंट वगैरह कुछ फैसिलिटी वगैरह देती है, यहाँ पर पढ़ने का मौका देती है, तो मेरे ख्याल से हक है हमको कि हम हमारे माहौल में कुछ चेंजेस लाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए बस पढ़ रहे तो पूना में जाना चाहिए, उसका फ़ायदा बड़े बड़े सिटीज़ को होना चाहिए, वहीं पे नौकरी मिल रही, वहीं से लोग अब्रॉड जा रहे वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी हम मतलब इंडिया में हमें जैसे मालेगांव में कुछ छोटे छोटे टाउन होंगे वहाँ पे फ़ायदा करवाना मतलब
चाहिए हमारा एजुकेशन का हमेशा Like what came after 2006 is a hospital which was necessary, but then a district level court, and this was the vision of development of the town. Malegaon is one of the places in Maharashtra where majority of the people stay in slums, but no concrete program for slum improvement or some development or to provide low cost housing has been. I mean the project has been taken up. But no visible result is seen so far. जैसे हमारा जो इस्लामी महीना है रमज़ान में, उस वक्त तो हम लोग को 24 घंटा चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जैसे ही सहरी का टाइम होता है तो पावर चली जाती है, अफ्तार का टाइम होता है तो पावर चली जाती है, और ऐसे आम दिनों में जैसे ही नल आता है तो पावर चली जाती है. हर घर में नल नहीं होता है, बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है, इधर उधर से पानी लाने जाना पड़ता है, लेकिन अगर उस वक्त पावर नहीं रही तो उन्हें और परेशानी उठानी पड़ती है. जनरेटर पे चार्ज नहीं होता ना, पावर नहीं रहती तो, और पावर के टाइम पानी नहीं रहता तो नीचे से जाके बिल्डिंग के नीचे जाके लाना पड़ता तो, और मॉर्निंग में रहता तो कॉलेज टाइम भी रहता, मॉर्निंग में भी तो कॉलेज छूट जाता है, वहाँ पर घर का काम करना पड़ता क्योंकि घर पर तो फिर हमें ही करना है ना. आफ्टर ऑल वी आर गर्ल्स. बड़े उद्योग धंधे वाले अभी ही मालेगांव के और आकर्षित नहीं हुए. यहाँ मैन पावर है लेकिन उनके मन में डर, एक संवेदनशील शहर यहाँ कब क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है. हम लोग चाहेंगे कि कंपनी रहना चाहिए यहाँ पर, कि इसमें हम BCS करने के बाद जॉब कर सके, क्योंकि फिर एक ही ऑप्शन बचेगा ना लेक्चरशिप करने का, और अगर आफ्टर मैरिज ससुराल में नहीं बोली तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन ही नहीं रहेगा फिर तो. कंपनी रहना चाहिए, MCS रहना चाहिए, ग्रांट. मालेगांव तो वैसे भारत के साथ ही भविष्य है. हम बोलते हैं कि हम मार सत्ता बनेंगे, लेकिन हमारे मालेगांव जैसे शहर आगे बढ़ेंगे तो ही मार सत्ता बन सकती है. और उसमें ही मालेगांव ऐसा है कि एक इंडिया का प्रतीक मालेगांव है. यहाँ भले मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हो लेकिन झलक इंडिया की यहाँ मिलती है. मतलब डिफिकल्टी तो मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर सब गर्ल्स ने ऐसे मामले उठाते गए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही वो प्रॉब्लम आ रही, तो हम मतलब हम लोग ये फेस कर ले रहे हैं. अभी हम लोग ये बोल रहे हैं हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, अभी फिलहाल इतने जल्दी चेंज होना नामुमकिन भी है, फिर वो चेंज अगले साल होगा, अगले साल वाली लड़कियाँ और उसके अगले साल होगा. अगर ऐसा लड़कियों ने करे तो आई थिंक चेंज ज़रूर होगा. और नहीं ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन अगर हमें लड़कियाँ ऐसे हार गए तो फिर आगे वाले लड़कियों का भी वही होगा. तो इसलिए ऐसे लड़कियाँ अगर उठाते गए ऐसे मामलों को, अगर उन्हें पढ़ने की चाह है तो मेरे ख्याल से फिर सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि हाँ ये लड़कियाँ पढ़ना चाहती है तो इन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करना हमारा काम है, ज़रूरी है. अच्छी तरीके से एक आदमी जिंदा रह सकता है, अच्छी स्कूल हो जहाँ पे बच्चे पढ़े, बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ हो, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हो, वो सारी चीज़ें हो, पीसफुल हो, वो सारा होता है. बस वही हमारा ख्वाब है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से नहीं. हम नहीं चाहते हैं कि हमारे मालेगांव को लंदन अमरीका या आप बॉम्बे या दिल्ली बना दीजिए, लेकिन जो है जो व्हाट यूर राइट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन टू अस, और जो हम लोग जो गवर्नमेंट दूसरे के लिए करती है उसको करना चाहेंगे. दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब तो सुबह होंगी, 2001 से साल से तो सुबह होना शुरू हो गया ऐसा मुझे लगता है. और ऐसा अगर शांति का माहौल रहा तो धीरे धीरे मालेगांव की तरक्की जरूर होना. मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तू फैसी लंगड़े घोड़े के ऊपर तू रेस लगा रहा है, वो मालेगांव को कुछ होएगा नहीं, लेकिन कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग एंड आई एम होपफुल. आई एम होपफुल.